अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त चकोरी साहिबा की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ। हैदर राज मुल्तानी साहब और हसन साहब इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। इस वक्त हसन साहब अपनी वालदा की आखिरी आरामगाह की सफाई कर रहे हैं। इस पर इंशाल्लाह तफसीली बात करेंगे। ज़रा वो साफ़ कर लें तो फिर मैं एक तफसीली वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर राज मुल्तानी और मैं आज मेरे छोटे भाइयों जैसे आमिर शाह साहब उनकी फरमाइश पे मैं आया हूं आज और चकोरी बेगम की कब्र पे, जो एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, और मेरे साथ उनके बेटे, बड़े बेटे हसन अली कैफ़ी मौजूद हैं। और ये वैसे तो बहुत ज़्यादा जान छुड़ाते हैं, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं आते, मगर मेरे छोटे भाइयों की तरह मेरा ताल्लुक़ इनसे बड़ा अच्छा है, तो मेरी पुरजोर फरमाइश पे इन्होंने टाइम निकाला और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो हसन भाई आप बताएं ज़रा वालदा के बारे में अपने। जी वालदा के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वालदा तो वालदा ही होती हैं और हम उनको एक दो रूप्स में देखते रहे ना, हमेशा दो रूप उनके देखे, एक स्टार का रूप था उनका, एक वालदा का रूप था। तो जब वो घर से बाहर थी, काम पर थी, तो स्टार होती थी, लेकिन वहाँ पर भी उनको हमारी ही फिक्र होती थी कि बच्चों ने खाना खाया है नहीं खाया, क्योंकि हम एक सिंगल पेरेंट के साथ पले हैं, ज़्यादा वालदा के साथ ही ज़्यादा पले हैं, तो उनकी तवज्जो हमेशा रही हमारी तरफ और वो मरते दम तक रही। और ये पहला इंटरव्यू है इनका अपनी वालदा की कब्र के साथ, जो पहले आपको किसी और चैनल पर नहीं नज़र आएगा, और ये आमिर शाह साहब की फरमाइश पर ये मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हैदर भाई आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कीजिएगा, तो उन्हीं की फरमाइश पे मैं ये हसन भाई से इंटरव्यू ले रहा हूँ आज। जी जी। आप मज़ीद हमें बताएं कि आपका इनके साथ कैसी वो बातचीत, मोहब्बत, ज़बरदस्ती मेरी इनका ज़िंदगी में जितना भी मैंने ग्रूम किया थोड़ा बहुत, और जो भी मुझे कोई थोड़ा बहुत आता है उसमें बहुत लोगों के थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं, कुछ मेरे वालिद साहब का है, कुछ और लोगों के भी हैं, लेकिन मेरी हमेशा से वो आइडियल रही क्योंकि वो एक फ़ाइटर थी। मैंने उनको हमेशा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों में फ़ाइट करते देखा। पहले वो अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालदा के लिए, घर वालों के लिए स्ट्रगल करती रहीं, फिर वो हमारे लिए स्ट्रगल करती रहीं, और उन्हें बहुत ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ किए, जो मुझे पता है, मैं भी ज़्यादा उसका जिक्र करूँगा तो शायद इमोशनल हो जाऊँगा। तो उनकी ज़िंदगी सारी स्ट्रगल में गुजरी है, उनको मेरे ख्याल से शायद सुख का साथ हमारी तरफ से भी नहीं मिला, तो ये गिल्ट भी है मेरे अंदर कि काश मैं उनके लिए कुछ कर सकता, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सका लाइफ में सिवाय खिदमत के, और मुझे और बहुत कुछ जो उन्होंने मेरे लिए किया उसके रिटर्न में मैं कुछ नहीं कर सका उनके लिए। वो बहुत अजीम खातून थी, और आप अगर इंडस्ट्री में और लोगों के पास भी जाएंगे तो उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था, सब उनको माँ जी बोलते थे। मैंने ज़्यादा वालदा को देखा है जब वो थिएटर पर आई जी जी, क्योंकि जब वो फिल्म्स में थी उस वक्त हम पहले तो हम दुनिया में नहीं थे, बाद में जब हम पैदा हुए तो वो स्लोली स्लोली फिल्म्स को छोड़ रही थी, तो जो जब हमने होश संभाली तो वो ज़्यादा थिएटर पर ही काम कर रही थी, तो इसलिए हमने उनकी जो इनिंग्स है वो ज़्यादा थिएटर पे ही देखी है। तो जो थिएटर के लोग थे वो सारे इनको माँ जी ही बोलते थे, तो वहाँ पे हमने सिर्फ एक रिस्पेक्ट ही देखी इनके लिए, और इन्होंने भी सबकी रिस्पेक्ट ही की हमेशा। जी हसन भाई कुछ ये बताइएगा कि मिस चकोरी का ये जो नाम यहाँ पे खावर सुल्ताना लिखा है जी, कुछ जी। इसके बारे में बताइएगा और मज़ीद इनकी कुछ डिटेल्स, ये किस तरह इनकी डेथ हुई और क्या वो वाकयात और हालात थे, उसके बारे में प्लीज़ कुछ तफसील बताइएगा। जी असल नाम इनका खावर सुल्ताना था, और जब फिल्म लाइन में आई तो फिर इनका नाम, क्योंकि ज़रा मर्दों वाला नाम था खावर, तो वो बहुत कम ख़वातीन का ये नाम होता था, तो फिर इनका नाम फिल्मी नाम चकोरी रखा गया। तो सिंधी फिल्मों से उन्होंने स्टार्ट किया था जी, फिर पंजाब आ गई, यहाँ पर आके भी अल्लाह ने उतनी इज़्ज़त दी जितनी सिंध में दी थी। बेशक बेशक। और वफ़ात उनकी हुई थी जी 2 नवंबर 2010 को, कार्डियक अरेस्ट हो गया था उनको, और उनकी वो शुगर भी हाई हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन बेसिक जो उनका रीज़न बना था वो जो इनका इनको ब्लड लग रहा था जी, वो कहीं
मैच नहीं हो सका या कोई उसकी वजह से रिएक्शन कोई हुआ था जिस वजह से हार्ट अटैक हो गया इनको। अच्छा, तो वो एक हादसा इनके साथ उस वक्त हुआ। तो इनका कोई वाकया वगैरह बयान करें कुछ? वाकया तो इतने हैं कि मतलब अगर मैं शुरू हूँ तो टाइम ही ख़त्म हो जाए, इतने ज़्यादा वाकयात हैं पर्सनल लेवल के भी। लेकिन मैंने जैसे आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि थिएटर वाले जो उनकी इनिंग्स हैं मैंने उसमें इनको ज़्यादा देखा, तो मैं इनके साथ आउटडोर्स भी बहुत गया हूँ अम्मी के साथ ना, जहाँ पे भी पंजाब में पाकिस्तान में किसी भी खत्ते में गए तो वो मैं इनके साथ रहा हूँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि वो एक फ़ाइटर थी। मैं आपको यहाँ पर किस्सा सुनाता हूँ कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक ड्रामा था अम्मी का हो रहा था, वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे तो गुजरांवाला में अम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, जिसमें ये बहुत सीरियसली जो है वो इंजर्ड हो गई थी, जख्मी हो गई थी और उसके बाद बेड रिडन थी और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब ये शायद हिल भी नहीं सकेंगी, चल भी नहीं सकेंगी। जी जी। उस एक्सीडेंट के दौरान मैं और मेरा छोटा भाई असद कैफी, हम भी अम्मी के साथ ही गाड़ी में मौजूद थे। अच्छा। लेकिन हमें खराश तक नहीं आई और वो बहुत शदीद ज़ख्मी हो गई और वो उस बेड पे जाने के बाद जी जी वो वहाँ से रिकवर हुई और उन्होंने दोबारा अपनी इनिंग स्टार्ट की थिएटर की और फिर उतना ही सबको सक्सेस हासिल किया जो उनको कहीं पहले था उनके पास। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि वो फाइटर थी और वो कभी भी उन्होंने बेड पे लेटे हुए भी हमें ये नहीं फील कराया कि वो बीमार है, कि हम परेशान हो क्योंकि हमारी एज उस वक्त कम थी। तो वो मेरे लिए बड़े बहुत आइडियल, मतलब मैं कहता हूँ इससे अच्छी मदर शायद ही किसी की कोई होंगी। और मैं मोस्टली किसी भी चैनल पर इंटरव्यू नहीं देता अपनी वालदा के हवाले से, ये आमिर भाई क्योंकि बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और आपकी स्पेशल एक रिक्वेस्ट थी तो आपको मैं आपको पता है इनकार नहीं कर सकता किसी भी बात में। आपकी मोहब्बत है। आखिरी वक्त में इनके जनाजे पे कौन कौन अदाकार और कौन कौन से आर्टिस्ट वगैरह मौजूद थे उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज़। जी, बहुत बहुत लोग आए थे और ख़ास तौर पे जब इनकी डेथ से 4-5 दिन पहले जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी तो हॉस्पिटल भी बहुत सब लोग आए, बाहर आंटी आई, संगीता मैडम आती रहीं रेगुलरली, आंटी निशो दुर्दाना रहमान आंटी, सब लोग मतलब रेगुलरली आते थे। जब अम्मी की डेथ हुई तो तक ये सब लोग ही थे, नरगिस भी आई स्पेशली, उसके अलावा सुहेल अहमद साहब और जवाद वसीम साहब को मैं स्पेशली मेंशन इसलिए करूँगा कि अम्मी की तदफीन सुहेल अहमद साहब ने करवाई मेरे साथ इधर। अच्छा। इसी जगह मैं, ये साथ वाली कब्र थी, इधर मैं बैठा हुआ था और मेरे साथ सुहेल अहमद साहब बैठे हुए थे और तदफीन, हालांकि मैंने उनको 2-3 दफ़ा कहा कि आप चले जाएँ कोई बात नहीं मैं करवा लूँगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तदफीन करा के जाऊँगा। तो सुहेल अहमद साहब, जवाद वसीम साहब, सरदार भाई, सरदार कमाल मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, सरदार भाई थे और तकरीबन थिएटर से सब लोग थे जितने लोग भी आ सकते थे। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताते चलिए कि ये कहाँ पे मदफन कहाँ पर हैं और ये किस जगह पर? जी, ये लाहौर में शाह फरीद कब्रिस्तान है सब्ज़ादार में, वहाँ पर इनकी कब्र है और कई लोगों को शायद नहीं मिल पाती है, कई लोग जो आना चाहते हैं फातह के लिए उनको नहीं होता, पता नहीं चल पाता ना क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा भरा हुआ कब्रिस्तान जो है यहाँ पर कब्रें हैं। तो वो आके यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामिया, उनसे पूछ सकते हैं, वो उनको गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक मैंने कुछ यूट्यूब पे भी देखा था और वैसे भी आपकी वालदा की कब्र को लेके कुछ ARY पे प्रोग्राम्स कुछ आए हुए हैं, कुछ यूट्यूब पे बड़ी अजीब सी वीडियोस आई हैं, कुछ उसके बारे में बताएं, वो काफ़ी इख्तलाफात हैं, उस बारे में प्लीज़ कुछ रोशनी डालें। जी, आपने अच्छा किया ये क्वेश्चन मुझसे किया। ये मेरी जब वालदा की डेथ हुई थी तो उन दिनों में बारिशें बहुत हो रही थी, तो बारिशों के बाद जो ना मैं कब्र पक्की नहीं करवा पा रहा था। अच्छा। तो इन बिटवीन के ईद भी आ गई तो हमने सोचा कि ये ईद गुजर जाए और ये बारिशें ज़रा कम हो जाए तो फिर हम कब्र पक्की करवाते हैं। उस दौरान कोई ईद का कंटेंट बना रहे थे इकरारुल हसन साहब अपने प्रोग्राम सरेआम के लिए या किसके लिए, तो उसमें वो मुख्तलिफ अदाकारों की कब्रों पे जा रहे थे, तो कहीं उन्होंने ये भी एक प्रोग्राम बना लिया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई प्रोग्राम बन रहा है, कोई ऐसी बात है। तो उन्होंने जब वो ऑन एयर किया उसके बाद मुझे काफ़ी बातें सुननी पड़ी लोगों की, लोगों ने मुझसे रबते भी किए, मुझे काफ़ी लान तान भी की मेरे ऊपर और मुझे समझ नहीं आई कि क्यों कर रहे हैं। फिर जब मैंने प्रोग्राम देखा तो मुझे काफ़ी मेरा दिल उस बात पे अफसुरदा भी हुआ कि यार पहले पूछ तो ना कि किस वजह से नहीं हो पा रहा है ये मामला और क्यों नहीं हम मतलब वो चीज़ कर पा रहे, आप कम से कम इस तजलील करने के लिए कोई चीज़ ना बनाए। और सबसे मज़े की बात है कि वो प्रोग्राम कुछ 7-8 साल हर ईद पर ऑन एयर हुआ। अच्छा। उसके बाद जब कब्र पक्की भी कराई तो मेरी इकरारुल हसन भाई से 2-3 बार फ्लैटीज होटल लाहौर में मुलाकात भी हुई और बहुत अच्छे माहौल में हुई, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके साथ जो कोई भी एक वाकया भी पेश आया उस पर भी हम कंडेम करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मैंने उस वक्त उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ इसको फॉलोअप दें कब्र को और उस प्रोग्राम को बंद करें। ये भी क्रेडिट चले मैं आपको दे देता हूँ कि आपने मेरी आई ओपनिंग कर दी
मैं आपके प्रोग्राम को देख के ज़्यादा चार्ज हो गया उस चीज़ के लिए, चलिए ये क्रेडिट भी आपका हुआ, लेकिन कम से कम आप एक फॉलोअप तो दें। आप 7-8 साल आपने ईद पर वही प्रोग्राम चलाया जिसकी वजह से मुझे अब तक लोगों को नहीं पता कि कब्र पक्की हो चुकी हुई है और कब से पक्की हो चुकी हुई और क्या मामला था। वो अभी भी मुझे ये समझते हैं वो प्रोग्राम कहीं यूट्यूब पर देखे या इधर उधर लोग मेरे मुझे बदवाएँ दे रहे हैं फजूल में, और कोई इसका रीज़न भी नहीं है। तो इकरार भाई आप प्लीज़ इसको एक फॉलोअप दें, और मैं आमिर भाई के चैनल के थ्रू ये पहचाने ये एक रीज़न बन गया, ये पैगाम मेरा चला जाएगा कि भाई कोई मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दें। दुआ कर रहे हैं।